दोस्तों आइए पहला पहेली की तरफ देखते हैं और लास्ट तक वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों यहाँ पर तीन औरतें दया जी को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी औरत दया जी का खूनी है। दोस्तों अच्छे से देखिए और सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों आंसर को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों ए और बी औरत के आसपास में कोई खून करने का सामान नहीं दिख रहा होता है और वहीं पर तीसरी वाली औरत के पैर के पास में एक बैट में खून लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब है कि तीनों औरतों में से तीसरी वाली औरत दया जी का खूनी है। दोस्तों आगे दूसरा रोमांचक पहेली को देखते हैं। दोस्तों यहाँ एक बगीचे में तीन लड़कियाँ जेठालाल जी के पास में दिखाई दे रही होती है। दोस्तों और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लड़की जेठालाल जी का खूनी है। प्लीज दोस्तों अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों आंसर को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों ए और सी लड़की के बालों में एक एक लाल गुलाब का फूल दिखाई दे रहा होता है जो जेठालाल जी के पास में गिरा हुआ फूल से मैच नहीं हो रहा है। वहीं पर दूसरी वाली लड़की के बालों में जो फूल लगा है उसे मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि तीनों लड़कियों में से दूसरी वाली लड़की जेठालाल जी का खूनी है। दोस्तों आगे तीसरा रोमांटिक पहेली को देखते और सुनते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाल वीर और चार लड़कियाँ दुल्हन के ड्रेस में दिखाई दे रही होती है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी दुल्हन बालवीर का खूनी है। दोस्तों अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों आंसर को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों पहली तीसरी चौथी दुल्हन के आसपास में खून करने का कोई सामान नहीं दिख रहा होता है और वहीं पर दूसरी वाली दुल्हन के पास में एक डंटा में खून लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब है कि इन चारों दुल्हनों में से दूसरी वाली दुल्हन बालवीर का खूनी है। दोस्तों आगे लास्ट चौथा पहली को देखते और सुनते हैं। दोस्तों यहाँ एक नदी के किनारे तीन लड़कियाँ बैठकर फ्रूट खाते हुए दिखाई दे रही होती है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लड़की भूतनी है। दोस्तों अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों आंसर को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों पहली तीसरी लड़की का परछाई पानी में सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तीनों लड़कियों में से दूसरी वाली लड़की भूतनी है।